समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया तो सदन भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। एक देश एक कानून की तरफ बढ़ रहे भारत की ये शुरुआत है। एबीपी न्यूज के पास उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। सदन में यूसीसी पेश करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी संविधान की कॉपी लेकर घर से निकले थे। सरकार का दावा है कि इसमें सभी धर्मों का ख्याल रखा गया है, लेकिन कांग्रेस को सरकार के दावे पर यकीन नहीं है और यही वजह रही कि सदन में जब ड्राफ्ट रखा गया तब कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी ने उत्तराखंड के नेता विपक्ष यशपाल आर्य से बात की और विरोध का कारण पूछा। मुझे क्या लगती है आपको, अगर इस तरह से जल्दबाजी जैसा आप दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में सरकार, तो फिर उसको जल्दबाजी में प्रयास पास कराने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सदन की प्रॉपर्टी बन जाती है, ये हाउस की प्रॉपर्टी है। अब अगर पेश होने के बाद हाउस की प्रॉपर्टी बन जाती है, क्या पर्याप्त समय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको हमें अध्ययन करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों आखिर हड़बड़ी में सरकार दिखाई दे रही है? ये हमारे समझ से परे है, और लेकिन इतना जरूर है कि सरकार डरी हुई है। मई 2022 से इस बिल पर उत्तराखंड में काम चल रहा था। करीब 21 महीने तक इस मसौदे पर काम हुआ और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे सदन के पटल पर रखा गया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्राफ्ट में जो प्रमुख बातें कही गई हैं उसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। पुरुष महिला को तलाक देने का समान अधिकार होगा। पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी पर रोक। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबरी का हक दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर मुस्लिम नेता तक सवाल उठा रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? वही हमें कुरान में बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने बना लें, हम दूसरे तरीकों से उसको फॉलो करें। हम पर जुल्म होता रहा, हमारी बेटियों को गुमराह किया जाता रहा, हमारी बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। यूसीसी को लेकर सियासत गर्म है तो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने रांची में लोगों से बात की। उत्तराखंड सरकार जो कानून ला रही है एकदम सही है और ये लागू होना चाहिए, एकदम पूरे देश में लागू होना चाहिए। जो भी भाजपा या एनडीए गठबंधन की जहाँ सरकार हो वहाँ वहाँ यूसीसी कानून जल्द से जल्द लागू हो ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सभी नागरिक जो हैं वो चाहते हैं कि एक देश एक कानून हो, सारे लोगों के लिए अच्छा हो, बराबर एक समान सबके लिए नियम कानून लागू हो, बस इससे बड़ा बढ़िया क्या चाहिए। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का ये ड्राफ्ट एक देश एक कानून का ट्रेलर है। चुनाव बाद केंद्र सरकार इस मसौदे को राष्ट्रव्यापी रूप दे सकती है।